हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और आज एक और मैं वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूँ। वीडियो बांट रही हूँ, क्या मैं आता हूँ तो मैं वीडियो में आऊँगा। आ जा, फिर खड़ा हूँ। तो आज हम वीडियो इस बात पर बना रहे हैं कि हमने रिएक्शन देना है कि एक इंडियंस लड़की ने वीडियो बनाई है कि उन्होंने मस्जिद के सामने लोगों के पास गई और उन्होंने कहा कि हमें मंदिर बनाना है और उसके लिए हमें चंदा चाहिए। तो आज हम उस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं, ठीक है। तो उस पर हम देखते हैं कि लोगों के क्या राय थी, मतलब कि हिंदू और मुस्लिम के दरमियान प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए उन्होंने ये वीडियो बनाई और पब्लिक के सामने लेकर आए। न्यूज़ वगैरह में वो बताते हैं कि क्या सीन होता है और यहाँ पर उन्होंने वीडियो बनाकर दिखाया कि वीडियो में एक्चुअली दिखाया न्यूज़ पर क्या दिखाया जाता है और एक्चुअल में लोग कैसे हैं, ठीक है। तो आपको भी ये बहुत वीडियो पसंद आई, तो मेरे उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस को भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर देनी है, ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो आप अच्छा, अगर मुझे ना एक छोटी सी मदद की जरूरत है भैया, मैं पास से मंदिर से ही आई हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा खुदाई वगैरह का काम चल रहा है और वो चल रहा है, थोड़ा रेनोवेशन मतलब मरम्मत का काम चल रहा है, तो मैं मंदिर के लिए ना चंदा इकट्ठा कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ, जबरदस्ती क्या करनी है आपको, भाई ने दे दिए पैसे भाई। देखो पैसे दे दिए। उसके जेब में जितने थे 100 रुपया, देखो उसने दे दिए। ये बेसिकली प्रैंक है, रियल वीडियो नहीं है। अच्छा, वीडियो रियल है, प्रैंक कर रहे हैं और कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तो नफरत तो कहीं पर भी नहीं फैलाई जाती, जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, तो हर जगह पर अच्छे लोग पाए जाते हैं और नफरत कहीं पर भी नहीं है। रियलिटी में अगर लोगों से मिला जाए और जहां पर भी आप जाएंगे
तो आप लोगों को नफ़रत नहीं देखने को मिलेगी, नफ़रत सिर्फ लोगों के दिलों में है और कुछ भी नहीं बाकी इसके अलावा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और इसको भी, या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।